नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आरहत वांग्मय में कहाँ गया है, खणम जानाहि पंडिते, पंडित तू क्षण को जानो, समय को जानो। समय का अच्छा उपयोग करना चाहिए। क्षेत्र और काल, कोई भी कार्य करने के लिए क्षेत्र भी चाहिए और समय भी चाहिए। स्पेस एंड टाइम दोनों की आवश्यकता होती है। कार्य तो सौंपा जाए कि समय नहीं मिलेगा कार्य करने के लिए, तो कार्य कैसे संपन्न हो। तो कोई भी घटना घटती है, कोई कार्य होता है, तो समय चाहिए और स्थान चाहिए। आप लोग ऑफिस में बैठते हैं, कार्य करते हैं, तो कार्य करने के लिए कार्यालय चाहिए, ऑफिस चाहिए। टाइम भी 2 घंटा 4 घंटा 6 घंटा टाइम मिलेगा तो आप ऑफिस का अपना काम कर सकेंगे। समय एक ऐसा तत्व है जो सामान्यतया फ्री में मिलता है। 24 घंटे हमें रोज मिलते हैं, हर दिनांक में। उन 24 घंटों का आदमी उपयोग क्या करता है, यह महत्वपूर्ण विचार्य विषय होता है। मेघ बरसता है, पानी गिरता है। अब मेघ तो एक समान रूप से बरस रहा है, अब उस गिरने वाले पानी का उपयोग क्या किया जा सकता है। वह पानी एक कुंड में इकट्ठा भी किया जा सकता है, पार्लर पानी पीने को मिल जाए, कुंड में संरक्षित भी किया जा सकता है। वह पानी बाल्टी में भी लिया जा सकता है और वह पानी गंदी नाली में भी जा सकता है। कोई वर्षा में स्नान भी कर सकता है। तो पानी का विविध उपयोग हो सकता है। इसी प्रकार मानो समय भी बरस रहा है, उसका हम उपयोग क्या करते हैं। कोई उस समय 1 घंटा का टाइम मिला, उसमें कोई सामायिक भी कर सकता है 48 मिनट की, कोई सामान्य बातें करके भी वो टाइम पास कर सकता है, कोई नींद लेकर के भी टाइम बिता सकता है, कोई और कोई अच्छा या बुरा कार्य करके समय बिता सकता है। तो 3 शब्द हो जाते हैं, सदुपयोग, दुरुपयोग, अनुपयोग। हम अच्छा कार्य करते हैं तो समय का सदुपयोग हो जाता है। अगर आदमी गलत काम करता है, झूठ, चोरी, किसी को दुख देना, फालतू काम करना, जुआ खेलना आदि आदि फालतू से या गलत काम करता है, तो मानो समय का दुरुपयोग हो सकता है। गलत काम करना समय का दुरुपयोग करना है। ने अच्छा काम किया, ने बुरा किया, ऐसे ही बैठा रह गया, सोया रह गया, ऐसे ही। तो अनुपयोग, समय का कोई उपयोग नहीं किया, ने बढ़िया उपयोग किया, ने घटिया उपयोग किया।
दुरुपयोग करने से तो हमें बचना ही चाहिए, और अनुपयोग भी बहुत बढ़िया बात नहीं, कोई सदुपयोग समय का करें, ऐसा हमारे लिए ध्यातव्य है, विचार्य है, कर्तव्य है। समय बीत रहा है, यह काल की चक्की चक्की चली, यह काल की कोई रोक ना सकियो। चक्की चली यह काल की कोई रोक, कोई रोक नहीं सकता। घड़ी है, कोई सोचे घड़ी को बंद कर दूंगा, तो घड़ी को तो भले बंद कर दो, समझ की चक्की को बंद नहीं किया जा सकता, वो तो चक्र चलता ही चलता है। तो समय चलता है, उसे रोकने की जरूरत भी नहीं है, अपनी गति से वह चलता है। परंतु गया हुआ समय वापिस नहीं आता, गया हुआ आदमी तो वापिस कभी आ सकता है, अभी गया कुछ वर्षों बाद कभी वापिस आ जाए, आ सकता है, पर गया हुआ समय वापिस नहीं आता। इसलिए समय को आगे से पकड़ना चाहिए, पीछे से वो हाथ नहीं आता है। गया वो तो गया, अब आ रहा है उस पर ध्यान दें कि मैं समय का, इस आने वाले समय का क्या उपयोग करूं। दुनिया में बढ़िया आदमी वह होता है जो समय का बढ़िया उपयोग करता है, और दुनिया में घटिया आदमी वह होता है जो समय का घटिया उपयोग करता है। हमें मानव जीवन मिला है, इसका हम लाभ उठाएं। यह भी एक समय हमें मिला है मानव जीवन का, मानव के रूप में हमें जीवन जीने का अवसर प्राप्त हुआ है, तो इस मानव जीवन में हम कितना अच्छा काम कर सकते हैं। जो जो उम्र आगे की आ जाए, तब तो आगे के लिए भी और विशेष ध्यान देना चाहिए। 80 आ गए, 85 आ गए, अब तो और आगे के लिए, अगले जन्म के संदर्भ में साधना की दृष्टि से, धर्म की दृष्टि से और ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। जो वृद्धावस्था में हैं, 85, 90, 80 के पार हैं, ज़्यादा सक्रिय भी अब रहना कठिन हो गया, भागदौड़ करना कठिन हो गया, क्योंकि बुढ़ापा आ जाता है, बुढ़ापा कुछ गहरा जाता है, फिर वो जवानी वाला जोश तो होना कुछ मुश्किल है। बुढ़िया माई जा रही थी तो बुढ़ापा था, लकड़ी हाथ में थी, झुकी हुई थी, बहुत झुकी हुई चल रही थी, एक बच्चा मिल गया, बच्चा थोड़ा अपने मूड में ही था, कि दादी माँ दादी माँ, इतनी झुकी हुई क्यों चल रही हो, क्या चीज़ गुम हो गई, क्या खोज रही हो, इतनी झुकी हुई क्यों चलती हो, कोई चीज़ गुम हो गई है क्या। तो बुढ़िया भी ऐसे अच्छी थोड़ी ज्ञानी महिला थी, बोली बेटा एक चीज़ गुम हो गई है मेरी, एक चीज़ गुम हो गई है, तो क्या चीज़ गुम हो गई, कि मेरा जवानी का मोती, जवानी का मोती चला गया, अब उसको खोज रही हूँ, जवानी का मोती कहाँ चला गया। अब बुढ़ापा गहरा गया, जवानी के मोती को भले खोज लो, अब वो तो वापिस आने वाला नहीं है। ते ही नौ दिवसा गताहा, वे दिन हमारे चले गए, अब 85-80 के पार हैं, तो वो 25-30 वर्ष में जो शरीर में जोश था, अब वो तो मुश्किल है बोना, तो वो तो चला गया, वो दिन हमारे चले गए जब छोटी उम्र में थे। तो वृद्धावस्था आ जाती है, आप लोग गृहस्थ हैं, सोचना तो साधु को भी चाहिए, साधु को भी सोचना, मैं भूल न करूँ तो परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी 85 पार में थे, 90 के निकट या 90 में होंगे,
तब एक दिन फरमाया कि अब मैं तो अगले जन्म की ओर ध्यान दे रहा हूँ, अगले जन्म की ओर ध्यान दे रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात, अगले जन्म की ओर ध्यान देना। उम्र अच्छी आ गई है, अब आगे का मेरा कैसी अच्छी साधना चले, अच्छी संयम की साधना, तप जप स्वाध्याय अच्छा चले, आगे का क्रम भी अच्छा रहे। तो वो गुरुदेव की जो बात यथास्मृति भूल न हो, तो जो मैं बता रहा हूँ वो उनकी बात नहीं, हमारे लिए भी जैसे अवस्था अच्छी आ जाए, ध्यान तो पहले भी देना चाहिए, पहले तो ठीक है, और काम करने का भी समय है, तो और जैसे हमारे संत लोग हैं, मान लो अवस्था ठीक, अभी तो घूमना फिरना, यात्रा करना, विहार करना, कार्य करना, गोचरी करना, पानी लाना, वो करना, वो हमारे इस किताबें लाना, कितने काम करते होंगे, अभी ठीक है, उम्र है, अपनी साधना भी चले, सेवा भी करें, अच्छे काम भी करें। अब मान लो 85 के निकट आ गए हैं, अब ठीक, अभी यात्रा विहार इतने अब नए भी हो, कम हो, अब थोड़ा तप जप स्वाध्याय हो सके उतनी सेवा कर दें, तो वो काम करें। मैं भूल न करूं तो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने एक बार फरमाया था, ऐसे यात्रा भी हो रही थी गुरुदेव की, मैं साथ में सेवा में ही था, तो वो बात, वो गुरुदेव की कृपा भी मान सकते हैं, एक तथ्य भी अच्छा निकल सकता है। गुरुदेव ने फरमाया एक बार, अब यात्रा तो माँ समण की हो रही है, यात्रा गुरुदेव की थी, मैं तो साथ में सेवा में था, अपने जहाँ तक मैं याद है, भूल न हो मेरी, फरमाया कि यात्रा तो माँ समण की हो रही है, मैं तो ठीक है सहयोग कर देता हूँ, मैं तो सहयोग कर देता हूँ, बाकी यात्रा माँ समण की है। अब यह उन गुरु की कृपा है, माइतपना है गुरु का, कि वो अपने शिष्य को उसकी यात्रा मान रहे हैं, खुद का मैं तो सहयोग दे रहा हूँ, कि जैसे मैं व्याख्यान दे देता हूँ, वो मेरा, मैं सहयोग करता हूँ इनका, बाकी यात्रा माँ समण की है। इसका यह तो एक उनकी कृपा की बात भी मान सकते हैं, कृपा तो भले मान ही लें, मैं दूसरी बात यह देख रहा हूँ कि भई के अब वो मुझे अवस्था आ रही है, एक आ गई है, तो मैं अपनी ज़्यादा साधना उसमें ज़्यादा रहूँ, काम काज माँ समण, ये यात्रा माँ समण की, मैं तो यानी मैं अब मुख्य नहीं, यानी यात्रा माँ समण की है, मैं सहयोग में, इसका मतलब वो अपनी साधना में, कि मैं अपनी साधना विशेष काम आगम उसमें ज़्यादा ध्यान दूँ, यात्रा मूल माँ समण की है, तो की भी अवस्था आ गई है, अब मेरा ध्यान ज़्यादा उस तरफ ज़्यादा लगे, साधना में ज़्यादा लगे, जरूरी उतना काम कर दें, बाकी अपनी तप जप स्वाध्याय में समय लगाएं, हो सके उतना सहयोग कर दें, सेवा कर दें। यह बात हमारे लिए भी ध्यातव्य, आप गृहस्थों के लिए भी ध्यातव्य, भी उम्र आ गई है, अब थोड़े निवृत्ति, धर्म में ज़्यादा प्रवृत्ति, सांसारिक काम से कुछ निवृत्ति, यह चिंतन रहता है तो परिवार की स्थिति भी अच्छी, भी परिवार में ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं, ठीक है वो जाने, मैं तो अपना ज़्यादा स्वाध्याय ध्यान साधना में हूँ, थोड़ा बहुत बता दूँ भले बताना हो तो, बाकी बस ज़्यादा धर्म में साधना में समय लगाऊँ, समाज की धार्मिक सेवा हो तो कर दें कोई। तो यह समय का हम मूल्यांकन करें, कब क्या मोड़ लेना चाहिए, समय समय पर जिंदगी में मोड़ भी लिया जा सकता है। 30 वर्ष के थे, क्या 80 वर्ष के वैसे ही थोड़े बने रहेंगे, अब मोड़ भी लेना चाहिए, अब इतनी उम्र आ गई है, अब यह मोड़, अब यह मोड़, अब यह मोड़, तो टाइम टाइम पर समय के साथ चलें, युग की धारा के साथ चलें, जीवन की धारा के साथ चलें, और क्या मोड़ लेना, कितने में आध्यात्मिक साधना ज़्यादा कर सकूं। तो इस प्रकार आदमी को समय का अच्छा उपयोग करना चाहिए, और बाकी भले कार्य व्यस्त हैं तो भी सदाचार संयम, वो साधना तो अपनी अच्छी रहनी ही चाहिए, सदाचार तो हमेशा अच्छा रहे जिंदगी में, जितनी सरलता, ईमानदारी, सच्चाई, अहिंसा की भावना, लड़ाई झगड़ा किसी से फालतू करना नहीं, राड़ आड़ी बाढ़, कोई राड़ झगड़ा किसी से नहीं करना, आप बिना मतलब क्यों किसी को कटु बोलना, क्यों कर्म का बंधन करना, अपनी शांति में रहो, कोई कहने की बात हो तो शांति से भले बता सकते हैं,
राड झगड़ा लड़ाई कले बिल्कुल नहीं, अपनी शांति में रहना चाहिए। तो बुढ़ापा नहीं, जवानी में भी शांति में रहें, फालतू लड़ाई झगड़ा किसी से नहीं करना चाहिए। राड नहीं, अपना शांति में रहो, अच्छा काम करो, जीवन में अच्छी साधना करो, धर्म ध्यान करो, तो हमारा समय यह जीवन अच्छा सार्थक हो सकता है। क्योंकि मानव जीवन मिला है, बड़ा महत्वपूर्ण अवसर हमें प्राप्त है मानव जीवन। बाद में पता नहीं कब क्या मिले, कैसे मिले, अभी तो यह मानव जीवन हमें मिला हुआ है, उसका हमें लाभ उठाना चाहिए। तो साधु बनना तो बहुत बड़ी बात है ही, श्रावक बनना भी अपने आप में एक बड़ी महत्वपूर्ण बात, गृहस्थों की दृष्टि से श्रावक बनना भी अच्छी बात होती है। तो श्रावक हैं तो श्रावकत्व भी अच्छा रहे, सामायिक होती है, यानी श्रावकत्व में भी आगे से आगे निखार विकास हो। कभी बारह व्रती बन गए, फिर आगे मौका आने पर सुमंगल साधना, सुमंगल साधना बहुत ऊंची साधना है गृहस्थ की दृष्टि से, तो सुमंगल साधना करने का भी लक्ष्य हो, प्रयास हो। और भावना तो यह रखनी चाहिए कि कभी साधुपन भी आ जाए, कभी निर्ग्रंथ बन जाऊं, साधु बन जाऊं। जब तक गृहस्थ हूं तो गार्हस्थ्य में जितना ज्यादा धर्म का आचरण कर सकूं, जितना संभव हो सके ज्यादा से ज्यादा धार्मिकता के पथ पर चलूं। कि साधुओं को तो धन्य है जो महान त्यागी पुरुष हैं, मैं उतनी साधना मान लो नहीं कर सकता, उतना त्याग तो गृहस्थ जीवन में जितना कर सकूं वो तो करूं। और श्रावक का यह चिंतन, धन्य है मुनिवर महाव्रत पालते सर्व हिंसा त्याग कर वे जीर है महाव्रत साध्य मेरा, किंतु वह दो साध्य है पर अणु व्रत मार्ग मध्यम सरल और स्वत्व रक्षा के लिए मैं भाव से प्रति देश की हित सिद्धि के दायित्व से देहधारी हूँ, अतः आरंभ भी अनिवार्य है, किंतु यह संकल्प जा हिंसा सदा परिहार्य है, हिंसा सदा परिहार्य। तो गृहस्थ श्रावक सोचे कि साधुओं को तो धन्य है, धन्य है उनकी आत्मा को, तो महाव्रतों को पालने वाले हैं, और समभाव का, समता का जीवन, हिंसा का त्याग कर दिया, समता का जीवन जीने वाले हैं, उनको तो बार बार धन्यवाद है। मेरे से उतनी साधना तो अभी संभव नहीं लग रही है, मुश्किल है, महाव्रत मेरे लिए साध्य तो है पर दुस्साध्य है, पालना मेरे लिए मुश्किल है, तो ठीक है अनुव्रत का मार्ग उस पर चलूं, श्रावक के व्रतों पर चलूं। और हिंसा तो गृहस्थों तो करनी होती है, रोटी पानी रसोई आदि भी चलते हैं, साग सब्जी भी घर में आती है, कभी मकान भी बनता है, और भी कभी परिवार की देश के लिए भी कुछ हिंसा करनी पड़ जाए, बाकी अनावश्यक हिंसा न करूं, संकल्प जा हिंसा न करूं, बिना मतलब किसी की हिंसा न करूं, यह अहिंसा की चेतना तो मेरे में रहनी ही चाहिए। इसी प्रकार झूठ बोलने से जितना संभव हो सके मैं ज़्यादा से ज़्यादा बचूँ, चोरी से बचूँ, पापों से बचूँ, तो हमारा समय है वो जितना पापों से बच सके वो हमें प्रयास रखना चाहिए। आप लोग गृहस्थों को विशेष
गृहस्थ जीवन में भी पापों से जितना बचा जा सके बचे, धर्म का जितना आसेवन किया जा सके उतना वो करना चाहिए और समय को सफल बनाने का प्रयास करना चाहिए।